पंजाब को मिल चुका है नया कोच, बहुत जल्दी होगा नए कप्तान का भी ऐलान। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1326वां एपिसोड। आज 19 सितंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की दोस्त बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आईपीएल की हर रिपोर्ट, हर खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो भारत बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच की शुरुआत चेन्नई में हो गई और पहले ही दिन इनिशियल स्टेज में भारत जब बल्लेबाजी करने उतरा तो भारत के लिए अच्छा समय नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि भैया स्टार्टिंग के 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गए। विराट कोहली, रोहित शर्मा 6-6 रन बनाकर, शुभमन गिल 0 रन बनाकर आउट हुए। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक दोस्तों यशस्वी जायसवाल टिके हुए हैं, लेकिन यह बताता है कि बांग्लादेश की टीम को कम आंकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को ऐसे ही नहीं हराया है भाई, इनके पास है वो काबिलियत। दूसरी बड़ी चीज, जो पिच तैयार की गई है दोस्तों चेन्नई की, जो मिट्टी है वो मुंबई से लाई गई है, क्योंकि चेन्नई की विकेट में थोड़ा सा टूटपन ज्यादा देखने को मिला था। पहले ही दिन से विकेट बिगड़ रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मुंबई से जो मिट्टी लाई गई है, मुंबई की जो कहना चाहिए जो पारंपरिक मिट्टी होती है, उसमें बाउंस बहुत होता है और इसीलिए बांग्लादेश के गेंदबाजों को इनिशियली काफी बाउंस मिला जिससे भारत को नुकसान हुआ। तो जाहिर है दोस्तों कि पिच ने भी अपना रोल प्ले किया है, लेकिन ओवरऑल दोस्तों फिर वही बात है, बांग्लादेश को कम आंकना नहीं चाहिए। हालांकि 5 दिन पूरे पड़े हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तानी अपना परचम लहराएंगे चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया आईपीएल ऑक्शन फिर से यूएई में हो सकता है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का एक डेलीगेशन है मैनेजमेंट का, वो कोको कोला स्टेडियम का मुआयना करने जाएगा। पिछले साल की जो नीलामी हुई थी दोस्तों वो कोका कोला स्टेडियम में हुई थी। व्यवस्थाओं के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में यूएई काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और इसीलिए आईपीएल वाले और बीसीसीआई चाहता है कि भैया यूएई में ही पूरी प्रक्रिया हो जाए नीलामी की। व्यवस्थाओं को लेकर अगर ये बात करूँ दोस्तों मैं, तो भारत के पास भी व्यवस्थाएँ कम नहीं है। मुंबई बेंगलोर में पूरी व्यवस्था है, कनेक्टिविटी भी है, लेकिन मुझे नहीं पता आखिर क्यों बीसीसीआई बार बार यूएई की तरफ देख रहा है। आपको एक नीलामी करानी है, आप हिंदुस्तान में कहीं भी करा सकते हो और इतिहास में हिंदुस्तान में नीलामी हुई है। ये तो पिछला सीजन था जब आप यूएई गए हो, तो मुझे तो बिल्कुल सेंस समझ आता नहीं है भाई ये यूएई क्यों जा रहे हैं। कोको कोला स्टेडियम से अच्छी अच्छी जगह हिंदुस्तान में है, बाकी इस पर आप अपनी राय जरूर लिखो। मेरे हिसाब से पर्सनली नीलामी इंडिया में होनी चाहिए, खैर कहीं भी हो हमें क्या भाई, जाहिर है अगर बाहर भी होगी हमें तो लाइव टेलीकास्ट ही देखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों नई ऑक्शन की तारीखों को लेकर आ रही है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि बीसीसीआई लेट नवंबर की तारीखें भी देख रहा है। पहले खबर थी कि 15 दिसंबर को नीलामी होगी, तो 15 दिसंबर तो एक तरह से कंफर्म है ही, लेकिन कई सारी फ्रेंचाइजीज ने यह भी मांग की है कि आप और जल्दी अगर नीलामी करा सके तो और बेहतर होगा। दिसंबर में छुट्टियां काफ़ी होती है, हॉलीडेज काफ़ी होते हैं, स्पेशली जो फॉरेनर्स होते हैं वो पूरे दिसंबर को ही एक तरह से हॉलीडे की तरह मनाते हैं, क्योंकि क्रिसमस होता है, फिर न्यू ईयर ईव होती है, न्यू ईयर होता है, ये सब कुछ चलता है दिसंबर में। एंड दैट्स व्हाई फॉरेनर्स का नीलामी में शिरकत करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कुछ टीमों ने मांग की है कि लेट नवंबर में 25 नवंबर के आसपास नीलामी करा दी जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 नवंबर की तारीखें तय की गई है रिटेंशन के लिए। तो ये जो डेट्स आ रही हैं दोस्तों, फ्लोट्स हो रही हैं, ये सारी डेट्स हमें बताती है कि नीलामी अब ज़्यादा दूर बची नहीं है और नीलामी की बस क्रिएट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है नए कोच राहुल द्रविड़ के हवाले से। राजस्थान रॉयल्स के नए कोच राहुल द्रविड़ बने हैं और एक और नए कोच की अलर्ट राजस्थान रॉयल्स की टीम से आ चुकी है। टीम इंडिया में राहुल द्रविड़ के राइट हैंड विक्रम राठौर राजस्थान रॉयल्स के नए बैटिंग कोच बन सकते हैं। भारतीय टीम में भी उनका एक असिस्टेंट कोच का काफी बड़ा रोल रहा है विक्रम राठौर का, और टीम इंडिया के साथ एक लंबा कार्यकाल विक्रम राठौर का रहा है। राजस्थान रॉयल्स की टीम में विक्रम राठौर ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स अब प्रयोग वही करेगी जो टीम इंडिया पर राहुल द्रविड़ ने प्रयोग किया। हालांकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि राजस्थान रॉयल्स काफी सदी हुई टीम मुझे लगती है। इसका रीजन ये दोस्तों यह कि कई टीमें ओवरहाइप्ड है, कई टीमों की सच में फैन फॉलोइंग एकदम ताबड़तोड़ है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जो ना ही ओवरहाइप्ड है ना ही इसकी कोई फैन फॉलोइंग है, लेकिन प्रदर्शन के मामले में हमेशा ये टीम अव्वल रहती है। एंड देखिए इन्होंने पर्दे के पीछे से एट द एंड राहुल द्रविड़ को ले लिया। अगर आज भी आप लिस्ट बनाकर देखेंगे और देखेंगे किसके पास सबसे बेहतर कोचेस हैं तो उसमें आपको राजस्थान रॉयल्स आगे दिख जाएगी। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी मैं कोई राजस्थान रॉयल्स का फैन नहीं हूं, लेकिन हां इतना जरूर है कि राजस्थान रॉयल्स से काफी ज्यादा आप कर सकते हो इस सीजन में। आगे बढ़ते हैं
पांचवी बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं दोस्तों। ये खबर आ रही है अंबाती रायडू के हवाले से रिटेंशन पर। अंबाती रायडू ने एक बड़ी बात कही, सुरेश रैना ने एग्री किया। रिटेंशन हैव टू बी एंड देयर नीड टू बी अ लॉट ऑफ रिटेंशन, इट कैन नॉट बी वन और टू। उन्होंने कहा एक या दो खिलाड़ी को रिटेन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीमें बड़ी मुश्किल से बनती है, ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन करने का अधिकार होना चाहिए और हर चार साल में मेगा ऑक्शन होना चाहिए, हर दो साल में नहीं। रायडू की इस बात को सुरेश रैना ने एग्री किया। सुरेश रैना ने यह कहा कि हर दो साल में मेगा ऑक्शन कराना सही नहीं है, तो हर चार साल या पांच साल में मेगा ऑक्शन होने चाहिए। हालांकि दोस्तों मेगा ऑक्शन पहले लंबे समय के बाद होते थे, रिसेंटली हम देख रहे हैं एक एक दो दो साल में मेगा ऑक्शन हो रहे हैं, हर दो तीन साल में मेगा ऑक्शन करा रहा है बीसीसीआई। अंबाती रायडू और रैना ने इसका विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी खबर की बात करते हैं तो पंजाब किंग्स को नया कोच मिल गया है। रिकी पोंटिंग ने आखिरकार अपनी नई टीम ज्वाइन कर ली और वो टीम थी पंजाब किंग्स की टीम। 7 करोड़ रुपए सैलरी ली है रिकी पोंटिंग ने, रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं, कोई खुलासा आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है और शायद वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे कोच सीजन के हिसाब से बन गए। बताऊं दोस्तों आपको कि दिल्ली की टीम में रिकी पोंटिंग थे और अब वो पंजाब को संभालेंगे। पंजाब की गद्दी पर बैठना आसान नहीं है क्योंकि पंजाब का इतिहास बड़ा बेकार है। लास्ट 8 सालों में पंजाब ने 6 कप्तान और 6 कोचेस बदले, तो पंजाब किसी के साथ टिकता नहीं है। और पंजाब के खराब प्रदर्शन का रीजन ही है कि ये जब कोचेस को लेकर आते हैं या प्लेयर को या कप्तान को लेकर आते हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि ये तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट दे। हालांकि रिकी पोंटिंग और पंजाब के मैनेजमेंट के बीच बात यही हुई है कि पोंटिंग मांग रहे हैं समय। पोंटिंग ने कहा है मुझे टीम बनाने के लिए समय चाहिए होगा और पोंटिंग ने 3 साल का समय मांगा है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ईयरली बेसिस पर है और पंजाब ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ही करता है क्योंकि हर साल इन्हें नया कोच चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं, नया कप्तान भी मिलने वाला है। पंजाब के नए कप्तान स्टीव स्मिथ हो सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स बोल रही हैं। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि रिकी पोंटिंग के काफी करीबी स्टीव स्मिथ माने जाते हैं और रिसेंटली मेजर लीग क्रिकेट में भी रिकी पोंटिंग और स्टीव स्मिथ ने काफी अच्छा साथ में काम किया, विनर घोषित हुए। तो जाहिर है रिकी पोंटिंग स्टीव स्मिथ को एज ए कैप्टन रोल पंजाब में ला सकते हैं। अब ये स्टीव स्मिथ का इतिहास भी बड़ा अजीब है। स्टीव स्मिथ एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक जमाने में बहुत बड़ा T20 सुपरस्टार बन गया था, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की कप्तानी की और इसकी कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी खेले, लेकिन बाद में ऐसे गायब हुए कि अब नीलामी में कोई भाव नहीं देता है। पिछले 2-3 साल से तो बिके नहीं है। लेकिन पंजाब की टीम में अगर ये प्रयोग होता है और कैप्टन के रोल में अगर स्टीव स्मिथ आते हैं तो मुझे लगता है पंजाब के लिए काफी बूस्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पंजाब की टीम उठाकर देखोगे ना तो भाई इनके पास कभी कोई ऐसा स्टेबल कैप्टन रहा ही नहीं है। पंजाब के लिए तो स्टीव स्मिथ से अच्छा विकल्प कोई नहीं होगा। शायद रिकी पोंटिंग भी समझ चुके हैं कि रोहित शर्मा को नीलामी में लेना या कोई बड़े इंडियन सुपरस्टार को नीलामी में लेकर आना पंजाब का कप्तान बनाना मुश्किल होगा, इसलिए ऑलरेडी इनका टारगेट एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको कोई नहीं पूछ रहा और स्टीव स्मिथ वो नाम है। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आप बताओ दोस्तों किसे होना चाहिए पंजाब का नया कप्तान, अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं तो भैया सुरेश रैना ने शुभमन गिल की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा गिल शुड बी न्यू T20 नए कप्तान, शुभमन गिल होने चाहिए T20 क्रिकेट में। ऐसा क्यों बोल रहा है सुरेश रैना, मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मेरे हिसाब से सूर्य यादव इज द बेस्ट ऑप्शन और मेरे हिसाब से तो सूर्य यादव ही कप्तान होने चाहिए आज की डेट में। पंड्या से ऊपर मैं सूर्य यादव को रखता हूं। इसका रीजन दोस्तों यह है कि आपको एक सदा हुआ प्लेयर मिलता है सूर्य यादव में, वो हार्दिक पंड्या नहीं है। हाँ, हार्दिक पंड्या एज ए प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है दुनिया में, उनका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन एज ए कप्तान शायद वो सूर्य यादव से नीचे। और अगर आपको रोहित शर्मा का विकल्प चाहिए तो सूर्य यादव है। तीसरी बड़ी चीज, गिल ने जो कंडक्ट किया था जिम्बाब्वे सीरीज में, जो उन्होंने अपनी ओपनिंग के ओपनर के रूप में पोजीशन को बनाने के लिए गायकवाड़ को स्थान नहीं दिया, गायकवाड़ को मौका नहीं दिया और कई अपने हिसाब से चेंजेस किए टीम में, वो मुझे ऐसा लगता है कि गिल को काफी ज्यादा खतरनाक बनाता है। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। गौतम गंभीर ने आईपीएल वर्सेस टीम इंडिया की डिबेट पर बात की। उन्होंने कहा एवरीबॉडी इन द ड्रेसिंग रूम वांट टू प्ले फॉर इंडिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आईपीएल के लोग लिए प्लेयर जो है बहुत ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में देखता हूं तो सभी लोग टीम इंडिया के लिए है। गंभीर के सुर बदल गए क्योंकि एक जमाने में जब गंभीर कोच नहीं थे तो कहते थे कि भैया हर प्लेयर आईपीएल खेलना चाहता है जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट भारत का बर्बाद हो रहा है। अब ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद और कुछ बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दसवीं बड़ी रिपोर्ट की अब यहाँ से बात करते हैं तो ये रिपोर्ट यश दयाल के हवाले से निकल कर आ रही है। यश दयाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा फेल्ट बेल्ट डोंट नो ही विल कम अगेन और नॉट। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर यश दयाल ने कहा कि उन्होंने जब पिछले साल महेंद्र सिंह धोनी का विकेट लिया तो विकेट लेने के बाद उन्हें अच्छा नहीं बुरा लगा, क्योंकि
क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं महेंद्र सिंह धोनी अब फील्ड पर खेलने आएंगे या नहीं आएंगे। आरसीबी सीएसके वाले मैच की बात यश दयाल कर रहे थे। आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो यश दयाल है ये अब इंटरनेशनल सर्किट में पहुंच गए हैं। दो सीजन पहले इनकी बहुत बुरी दुर्गति हुई थी, लेकिन धोनी को लेकर इनका यह बयान बताता है कि इतने बड़े खिलाड़ी का विकेट लेने के बाद खिलाड़ी दुखी है कि उसे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा रवल से रोटेगा या नहीं। ये चीज़ बताती है कि धोनी ने कितनी रिस्पेक्ट कमाई है हिंदुस्तान के क्रिकेट में। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया। अपनी राय लिखो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल।